हे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण और आप मुझे दिख रहे हो YouTube भूषण रेड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ Realme के लेटेस्ट फ़ोन के बारे में। तो ये लेटेस्ट फ़ोन कौन सा है दोस्तों? Realme का Realme GT जो है वो वाला फ़ोन, GT एडिशन करके दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं Realme की GT Master के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये फ़ोन जो होने वाला है वो होने वाला है फ्लैगशिप किलर 2021। साथ में ये Realme GT सीरीज़ के साथ आने वाला है। अभी इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं स्नैपड्रैगन का 888 5G वाला प्रोसेसर, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अभी इसमें आपको खास बात क्या मिलने वाली है वो मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे जो CPU होने वाला है आपका, वो 25% यहाँ पे इंक्रीज़ होने वाला है अगर आप इससे कंपेयर करते हो तो आपके प्रीवियस जनरेशन के साथ। साथ में जो GPU होने वाला है वो 35% इंक्रीज़ के साथ यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। एंड 70% AI की परफॉर्मेंस यहाँ पे बढ़ने वाली है। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहूँ AnTuTu स्कोर की, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 में 735,439 का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर यहाँ पे आपको देखने मिलता है दोस्तों। बाद में Realme का GT Master Edition वाला जो ये डिवाइस है, इसके अंदर आपको Qualcomm 7 सीरीज़ मिलता है, जिसमें आपको 40% का इंक्रीज़ मिलता है CPU में, 40% का इंक्रीज़ मिलता है GPU में, एंड 123% का AI परफॉर्मेंस इंक्रीज़ आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। एंड इसी की अगर हमें AnTuTu स्कोर की बात करूँ तो 541,610। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी डायनेमिक रैम एक्सपेंशन की, तो ये आप यहाँ पे जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो लगभग 7 GB की रोम इंटू रैम फॉर फास्टर मल्टीटास्किंग। दोस्तों जो रोम होने वाली है आपकी उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके चार्जिंग की, तो जो चार्जिंग होता है दोस्तों यहाँ पे वो है 65W का सुपर डार्ट चार्जर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड यहाँ पे अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें, तो जो चार्जिंग टाइम यहाँ पे लगने वाली है आपको, वो लगभग लगने वाली है चार्जिंग टाइम तो काफ़ी ज़्यादा कम लगेगा दोस्तों आपको यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ आपको मिलने वाला है 65W का 4500mAh की बैटरी। अभी यहाँ पे 120Hz का सुपर एमोलेड स्क्रीन, फुल स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है, जो कि 60Hz पे चल जाता है। एंड 360Hz का टचिंग सैम्पलिंग रेट के साथ आता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसका पूरा डिटेल में मैं आपको स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी बताता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों इसके अंदर आपको स्क्रीन साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 6.43 इंचेस की स्क्रीन साइज़ मिलती है। 64MP का कैमरा मिलता है, जो कि वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है लगभग 2160p तक। अभी इन डिटेल अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें तो ये 5G भी सपोर्ट करता है। जैसा मैंने आपको बताया, स्पीड का आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि ये 5G भी सपोर्ट करता है यहाँ पे। साथ में डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो 6.43 इंचेस का आपको यहाँ पे स्क्रीन मिल जाती है। OS की अगर मैं बात करूँ तो एंड्रॉयड 11 रियलमी UI 2.0 पे चलता है। स्नैपड्रैगन का 778 आपको इसके अंदर देखने मिल जाता है। एंड जो GPU यहाँ पे आपको मिलने वाला है वो होने वाला है ऑक्टा कोर का। इसके अंदर आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट यहाँ पे नहीं मिलेगा, 2 वेरिएंट में मिल जाएगा, 128GB एंड 8GB वाला, एंड 256GB एंड 8GB वाला। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं कैमरा की बात करूँ तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे मिलता है, जैसे कि 64, ठीक है, बाद में 8MP, ओके, एंड कुछ इसी तरह से आपको मिलते हैं 2MP वाला भी यहाँ पे होता है। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फीचर्स की, तो इसके अंदर आपको LED फ्लैश भी मिल जाता है, HDR मिलता है, पैनोरामा मिलता है, 4K के आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps तक, 1080p की भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 60fps तक। फ्रंट कैमरा की अगर बात करते हैं तो 32MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। WLAN का भी सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है, यानी कि वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, NFC भी मिलता है। रेडियो इसके अंदर आपको नहीं मिलता, लेकिन USB Type-C मिलता है आपको। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जब एक्चुअल में आ जाएगा तब इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको देना पॉसिबल हो पाएगा दोस्तों, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो जानकारी है वो हमने आपके लिए यहाँ पे लेकर के आए हैं। टेलीग्राम वाला चैनल आप ज्वाइन करके रखिएगा, एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक दीजिएगा। एंड मैं आप सभी को मिल रहा अगली वीडियो में। अगर चैनल पर नया आए हो तो चैनल को ज़रूर से जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया।